शुड यू फैमिली, आप कोई भी फैट लॉस जर्नी या ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखेंगे तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके डाइट का। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर ले पर आपका डाइट ठीक नहीं है तो यू विल नॉट लूज अ सिंगल ग्राम ऑफ योर बॉडी फैट। मिस्टर आमिर खान ने भी उनके जो दंगल का ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें उन्होंने कहा था कि डाइट इज द मेन पार्ट, अगर आप डाइट ठीक नहीं फॉलो करोगे तो आप फैट लॉस नहीं करोगे। लोग ऐसा भी कहते हैं कि उन्होंने परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स भी यूज किए थे बट हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे। उन्होंने एक और बात बताई थी लाइक कैलोरी डेफिसिट स्टेट, तो फॉर दैट कीप वॉचिंग आरएक्स एक्सरसाइज। फ्रेंड्स व्हाट इज कैलोरी डेफिसिट स्टेट? तो कैलोरी डेफिसिट स्टेट क्या है? तो आपका कैलोरीज इनपुट माइनस योर कैलोरीज एक्सपेंडिचर। अगर आप खा रहे हैं 1800 कैलोरीज एंड आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 2500 कैलोरीज का, तो आपके बॉडी में 700 कैलोरीज का एक कैलोरी डेफिसिट स्टेट क्रिएट हुआ। तो हमारी जो वेट लॉस की जर्नी है वो एक रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज सिंपल मैथमेटिक्स। कि आपके बैंक अकाउंट जैसा कि आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीस है, आपकी सैलरी है 30,000, आप खर्च कर रहे हैं 40,000 रुपीस, तो अल्टीमेटली 10,000 रुपीस का एक डेफिसिट स्टेट क्रिएट हुआ। 10 महीने के एंड में आपका जो बैंक बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि आप हर महीने ज्यादा 10,000 रुपीस आप खर्च करते हैं। तो आपकी बॉडी में भी वैसा ही है, आपका जो स्टोर फैट है वो आपकी सेविंग्स अकाउंट जैसा है कि आपने कुछ खाया और वो एक्सेस है, मींस आपने एक्सेस कार्बोहाइड्रेट भी खाए, फैट खाई एक्सेस या प्रोटीन भी खाया, तो अल्टीमेटली इट विल कन्वर्टेड इनटू फैट एंड वो आपके बॉडी में स्टोर हो जाएगा। तो अगर उसे उस स्टोर फैट को आपको रिड्यूस करना है तो यू हैव टू क्रिएट कैलोरी डेफिसिट स्टेट। डिफरेंट एज, हाइट, वेट एंड बॉडी कंपोजिशन एंड फिजिकल एक्टिविटी के अनुसार आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो पर्सन टू पर्सन चेंज करती है। तो फॉर दैट मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जा सकते हैं उसमें एंड आप अपना डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर कैलकुलेटिंग योर डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट आपको अपनी बॉडी में एक कैलोरी डेफिसिट स्टेट क्रिएट करना है। कि अगर आपकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2500 कैलोरी तो आप उससे कम कैलोरी खाइए, लाइक 2000 कैलोरीज खाइए, 18000 कैलोरीज खाइए। अगर आप कम कैलोरी खाओगे तो डेफिनेटली आप अपना फैट लॉस करोगे। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर कैलोरी मोर देन 1000। कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 2500 और आप 1500 से भी कम खाओगे तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करेगा। आपका मेटाबॉलिज्म अगर डिस्टर्ब हुआ तो आपकी जो वेट लॉस की जर्नी है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी। आप बहुत ही जल्दी प्लेटो को हिट करोगे एंड आप कुछ भी ज्यादा खा लोगे तो आप बहुत ही ज्यादा एंड बहुत ही जल्दी वेट गेन करोगे। तो अगर आपको मेटाबॉलिज्म आपका ठीक रखना है तो आप 1000 कैलोरी से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन मत करना आपकी डेली रिक्वायरमेंट से। एंड अगर आपने अभी तक मेरा मेटाबॉलिज्म वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फ्रीक्वेंटली चेंज योर कैलोरी इंटेक। ये हम जानेंगे दो केस स्टडी से, पर्सन ए एंड पर्सन बी, दोनों की हाइट, एज, वेट, फिजिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल एक्टिविटी सब सेम है पर ये जो है वो कॉन्स्टेंटली सेम कैलोरीज रख रहे हैं। लाइक दोनों को 2500 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, ये जो भाई साहब है वो 1500 कैलोरी ही खाते हैं हर रोज, और ये जो भाई साहब है वो एक दिन 1500 कैलोरी खा रहे हैं, दूसरे दिन 1700 कैलोरीज, तीसरे दिन 2000, फिर 2300, वापस 1500, ऐसे फ्रीक्वेंटली चेंजेस करते रहते हैं उनकी कैलोरीज में। तो ऑब्वियसली पर्सन ए बहुत कम कैलोरीज खा रहे हैं और पर्सन बी फ्रीक्वेंटली चेंजेस करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कौन
ज्यादा फैट लॉस करेगा, ऑब्वियसली पर्सन बी, क्योंकि पर्सन ए सिर्फ एक कैलोरीज पे स्टैग्नेंट है, लाइक 1500 कैलोरी रोज खाते हैं, तो हमारा बॉडी है वो 1500 कैलोरी पे एडेप्ट हो जाता है बहुत ही जल्दी, विद इन 15 डेज वो 1500 कैलोरी पे एडेप्ट हो जाता है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 2500 कैलोरी की होती है, फिर भी वो 1500 पे काम करना चालू कर देती है उनका बॉडी। सो अगर आपको फैट लॉस बहुत ही जल्दी करना है, आपको प्लेटो ईट नहीं करना है, तो प्लीज फ्रीक्वेंटली चेंज योर कैलोरीज इनटेक। तो ये था फ्रेंड्स कैलोरी डेफिसिट स्टेट के बारे में हमारा वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। हमारा आज एक महीना पूरा हो गया है हमारे चैनल को, एंड वी हैव रीच्ड अप टू 600 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स फैमिली एंड योर जिममेट्स। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, गुड बाय।